जी, जी हाँ गुड जी, मॉर्निंग। गुड हाँ मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, सबको मेरा सादर प्रणाम, सत श्री अकाल। बिंदु जी, क्या स्टोरी बोलूं या क्या करूं? आपको जो अभी तो बहुत है, आपके पास वक्त है, 10-12 मिनट अच्छा, है, आप नहीं तो आराम फिर मैं से। भजन 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 आज ज्यादा नहीं हो जाएगा फिर? भजन, हाँ, तीसरा पर भी आप भजन, ऐसा करो, अभी स्टोरी बोल दीजिए पहले, ठीक स्टोरी है? और ठीक वो बोल दीजिए, फिर हम ऐसा होगा तो री आ जाएंगे वापस, कोई बात ठीक है, नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, डन 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 हाँ डन, फाइन, परफेक्ट। ओके, तो आज का स्टोरी है कि जिस परिस्थिति में भी हम हैं, हमें उसी परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। हम सब आज के दिन अलग-अलग परिस्थितियों में हैं, पर ये परिस्थिति का हम कैसे मजा ले, उसी में मजा है। ये नहीं कि हम दूसरों का देखें कि वो हमसे अच्छे परिस्थिति में है या हम बुरे परिस्थिति में है या जो भी है, जैसे भी है, पर हमें हर परिस्थिति का अनुभव करना बहुत जरूरी है, और अनुभव करके उसका लाभ उठाना और उसमें मजे करना भी बहुत जरूरी है। तो यही है कि एक दिन एक ऑफिस के सामने एक दुकानदार था। हर ऑफिस के सामने आपको तो दिखता है, मिठी भाई कॉलेज के सामने भी वड़ा पाव वाले, डोसा वाले, ये सब होते हैं। तो ये जो है, जो बच्चे जो कॉलेज से जो पढ़ लिख के आते हैं बाहर, और ये डोसा वाले, ये सब डोसा वाले के पास आते खाना खाने, और ये डोसा वाले जो है उधर बाहर बिजनेस करते। तो यही है कि एक दिन एक लड़के ने आके वो डोसा वाले से पूछा, जो कॉलेज के बाहर जो डोसा वाला था, उससे यही पूछा कि डोसा वाला, आप जो ये डोसा आप जो बेच रहे हो, और आप कॉलेज, बिल्कुल कॉलेज के सामने आप बेच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आपको लगता है जिंदगी में जो आप कर रहे हो आप ठीक कर रहे हो कि आप पढ़ाई वगैरह छोड़ के आप डोसा बेच रहे हो? तो फिर डोसे वाले ने वो लड़के से कहा, हाँ जी, आप देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, कल आप पढ़ाई करके आप बहुत बड़े सेठ बनोगे, आप किसी के कंपनी में बहुत अच्छे आप जॉब करोगे, फिर कल आपके बच्चे आएंगे, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ लिख के बहुत अच्छा जॉब करेंगे, तो फिर जॉब करेंगे, फिर वो तो मेहनत करेंगे, पर उनके मेहनत का फल जो है वो बॉस उसका मजा लेंगे, पर मेरा जो है, मैं जो इधर वड़ा पाव या डोसा बेचता हूँ मैं कॉलेज के सामने, कल मेरा बेटा आएगा, ये जो छोटा सा स्टॉल है वो छोटे से स्टॉल को वो बड़ा करेगा, वो बड़े से स्टॉल को उसके बेटे आके और इसका बिजनेस बढ़ाएंगे, और जब और बिजनेस बढ़ाएंगे, वो जो कमाएंगे उसका फायदा हमारा फैमिली ही उठाएगा, और कोई नहीं उठाएगा। तो यही है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड है वो यही कहते हैं कि मैं जब स्कूल में था, आई वॉज अ फेलियर इन स्कूल, पर आज जो है मेरे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में जितने भी मतलब IT इंजीनियर्स है, सब मेरे कंपनी में काम कर रहे। तो ये कहने का मतलब नहीं है कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और हम जिस परिस्थिति में हैं उसी परिस्थिति में हमें खुश रहना चाहिए, और ये नहीं कि हम दूसरों को पूछे कि तुम ये क्यों नहीं करते हो, तुम वो क्यों नहीं करते हो। ज्ञान देना बहुत जरूरी है, पर आई एम श्योर जो भी आज जिस जिस लेवल पे है, सब अपने ही सोच विचार से है, सो हम इस मौके का फायदा उठाएं। दिस इज द परिस्थिति का स्टोरी, एंड ये स्टोरी था ज्योति जी भाविशी के तरफ से। और आज ज्योति जी भाविशी दिख नहीं रहे मुझे इधर ग्रुप में, तो ये उनका भेजा हुआ स्टोरी था जो मैंने आज सबको बताया। और अभी जो हेल्थ टिप है, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल सिंपल टिप, पर आजकल जो है हम लोग बहुत घरों में मिक्सी का, वी स्टार्टेड यूजिंग मिक्सी, हम हर चीज में बस डाल देते और मिक्सी घुमा देते, पर ये मिक्सी जो है ये खाना को इतना पीस देती है कि जो फाइबर, हम स्टोन पे, बिंदु जी आप मुझे बता पाएंगे, वो स्टोन और जो जो स्टोन पे जो हम पीसते थे, हम मसाले पीसते थे, बिंदु जी वो स्टोन को क्या बोलते थे जिसमें हम मसाले पीसते थे गुजराती में? सिलबट्टा, सिलबट्टा। सिलबट्टा, हाँ, राइट राइट राइट। सो सिलबट्टे में पीसना और मिक्सी में पीसना, ये दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो सिलबट्टे में पीसने से क्या है, वो फाइबर जो है, फूड का जो फाइबर है, दैट स्टेज,
और वो फाइबर आप जब चटनी आप जब खाते हो, जब ब्रेड पे लगा के या रोटी पे लगा के, वो फाइबर जब पेट में जाता है नेक्स्ट डे पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। और वो सेम चटनी आप अगर मिक्सी में डाल दो और मिक्सी में डाल के आप अगर उसको घुमा दो फिनिश, वो सब इतना फाइन हो जाएगा, इतना फाइन हो जाएगा कि वो काम नहीं आएगा। सेकेंडली ऑल्सो सिलबट्टा करते समय आपका जो ये शोल्डर, आज लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, बैठ बैठ के सब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, ये फ्रोजन शोल्डर वगैरह, ये सिलबट्टा का जो ये मूवमेंट है, ये कंटिन्यूस मूवमेंट, इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी। तो आप लोग जो भी मतलब थोड़ा बहुत आप जो मिक्सी में करते हो, यही है कि आप फिर से सिलबट्टा पे आ जाइए, और सिलबट्टा में जो टेस्ट मिलेगा आपको वो चटनी का, वो टेस्ट भी बहुत अलग है। आई एम श्योर आप लोग पहले के दिन आप लोग करते थे सिलबट्टा में, और अभी मिक्सी में, मिक्सी और सिलबट्टा में बहुत फर्क है। आप फिर से अगर सिलबट्टा पे जाएंगे आप देखिए अपने आप सुबह आपका पेट इतना साफ हो जाएगा खाना खाने के बाद, क्योंकि उसमें फाइबर है, फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। अभी आप भजन सुना दीजिए। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी भजन में आप लोग सब भजन में विलीन हो जाइए, एकदम भजन का मजा लीजिए। एंड ये भजन का आप अगर मजा लेंगे तो आपका एकदम दिन मतलब बन जाएगा, हर भजन से ही दिन बनता है। तो शुरुआत आज मेरे भजन से, फिर हम एंड कर देंगे। सो दैट इज इट। चलिए, आवाज ठीक है? हाँ जी, परफेक्ट है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामन रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं जाने राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं
कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कृष्ण दामोदरम। नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत सुंदर में, बहुत 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 बढ़िया।